प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन ये गाइडेंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के लिए गाइडेंस है, लेकिन मैं ये वीडियो दोनों को अलग अलग देना चाहूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर अपलोड होने में टाइम लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा दोनों को डिवाइड कर देती हूँ। तो ये सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए देना चाहती हूँ, जो मुझे गाइडेंस दी गई है। डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए लाइफ में जो आने वाली है, एक तो बैलेंस तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बना ही हुआ है, लेकिन अब आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आने वाला है और आप एक तरह से एक फोर्स तैयार कर रही हैं, जैसे कि आप अपनी जो सोल फैमिली है आप उसे अट्रैक्ट करने वाली हैं। कुछ तो कर चुकी हैं, कर भी रही हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में न्यू जो रिश्ते आने वाले हैं वो सोल फैमिली से रिलेटेड होंगे, जो आपको आपके मिशन को पूरा करने में आपका साथ देंगे। आप एक तरह से एक फौज कहूँ या एक फोर्स कहूँ, ये आप बनाने वाली हैं, क्रिएट करने वाली हैं। आप कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छा काम करने वाली हैं, और कुछ मतलब ये कुछ दिनों में करती हुई नज़र आएंगी। हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनाइन ना कर पा रही हों ये सब, लेकिन ये तो डेफिनेटली है कि जो जो डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रेंथ में आ चुकी हैं और वो यूनिवर्स से अलाइन हो चुकी हैं, वो फेमिनाइन एक स्टेप लेती हुई नज़र आएंगी और वो समाज के लिए और लोगों के लिए एक स्टेप मतलब अच्छा करती हुई नज़र आएंगी। वो हो सकता है किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ करती हुई एक तरह से यूनियन बनाती हुई आएंगी, मतलब एक संगठन क्रिएट करती हुई नज़र आने वाली हैं। वो अपनी पावर में आने वाली है और अपनी पावर को एक तरह से लोगों के साथ डिवाइड करके और उन लोगों के साथ मिल करके एक तरह से जो बोलते हैं ना कि एक पावर पुंज बनाने वाली हैं, जो कि एक शक्तिशाली जिसे बोलते हैं ना कि एक जब सारी तरफ से वो पावर एकत्रित होती है तो एक बड़ा पुंज बनता है। इसी तरह इस टाइम डिवाइन फेमिनाइन एक तरह से पुंज क्रिएट करने वाली हैं अपनी एनर्जी का, जिसमें वो लोगों के लिए हेल्प करती हुई नज़र आने वाली हैं, लोगों के लिए एक्शन लेती हुई दिखाई देंगी। और अभी मैंने आपको कल एक मैसेज दिया था कि रीयूनियन होने वाला है कम सुन, ये बात मतलब रियली है कि आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, और वो गाइडेंस मैं मैस्कुलिन के उसमें देने वाली हूँ, आप ज़रूर सुनना डिवाइन फेमिनाइन। लेकिन सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन आप एक तरह से कमेटी बनाती हुई दिख रही हैं और नज़र आने वाली हैं, ये गाइडेंस दी गई है मुझे। और आप एक तरह से मतलब अपनी लाइफ के हर स्टेप को अगर आपको किसी तरह से बाधा या किसी तरह से रुकावट फील हो रही है, आप उसे बहुत ही आसानी से होशियारी से और बुद्धिमत्ता से आप एक्शन लेती हुई नज़र आने वाली हैं। आप अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर पाएंगी और आप अपना एक्शन भी ले पाएंगी। आप इस तरह से ये काम कर मतलब कुछ भी आप जो जो भी आप करना चाहती हैं वो काम करती हुई दिखेंगी। और जिस तरह से हो सकता है कि कुछ लोग कुछ डिवाइन फेमिनाइन की फैमिली कन्विंस नहीं हो रही थी किसी चीज़ के लिए, मुझे नहीं पता कि आप किस चीज़ के लिए अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हो, लेकिन अब आप जो डिवाइन फेमिनाइन है वो एक तरह से प्यार से क्रिएट करेंगी सारी चीज़ें, और वो फैमिली को भी कन्विंस कर पाएंगी और साथ में अपने लाइफ पर्पस को भी पूरा करेंगी और अपने साथ जीवन का जो भी वो उनको जिस चीज़ में उनको खुशी मिलती है, जिस तरफ उनकी रुचि है, वो उस चीज़ को भी अचीव कर पाएंगी। और डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए एक तो कोई मतलब मुझे नहीं पता कि क्या मैसेज है वो आपके लिए आने वाला है। हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ का आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी कि फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें, कोई ऐसा गुड न्यूज़ या गुड मैसेज जिसका लिए आप वेट कर रही थी वो आने वाला है। या तो डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए कोई मैसेज है या फिर आपकी फैमिली, आप दो मतलब आपकी फैमिली में या आप में कोई ना कोई मैसेज आने वाला है जिसको जिससे आपको भी खुशी होगी और आपकी फैमिली को भी खुशी होने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है। आप अपने पावर में आने वाली हैं। दूसरा, आप सबसे ज़्यादा जो आपको दी जा रही है यूनिवर्स द्वारा वो आपको दी जा रही है सक्सेस, और आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ कर रही हैं, एक स्टेप आगे बढ़ रही हैं आप, मतलब कि क्या कहूँ डिवाइन फेमिनाइन आप कमाल कर रही हैं, क्योंकि आप एक स्टेप बढ़ते ही जा रही हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। आप बहुत अच्छे से अपना वर्क पूरा कर रही हैं और आप लोगों के साथ भी कनेक्ट होकर उनका हेल्प कर रही हैं। हो सकता है कुछ
बातों के साथ कर रही हैं, कुछ कैसे भी, मतलब आप अच्छे से, मतलब आप हीलिंग दे रही हैं। मुझे नहीं पता ये कौन डिवाइन फेमिनाइन है, वो जिनके लिए है ये जो वो कर रही है। अब प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप ऐसा क्या कर रही हो अपनी लाइफ में, सब बताना मुझे कि आप क्या क्या कर रहे हो। उन लोगों की लाइफ में जो स्पिरिचुअल है वो गिफ्ट मिलने, मतलब एक तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में उनको एक तरह से एक डोर ओपन होने वाला है। एक तरह से जो डिवाइन फेमिनाइन अभी तक स्टॉक थी, और जैसे कि किसी चीज़ में, जैसे कि हम मेडिटेट के बारे में बताती हूँ आपको कि हम चक्रा ओपन करते हैं, जैसे कि रूट चक्रा ऑन हुआ, उसके बाद सेकंड चक्रा ओपन किया आपने। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेकंड चक्रा पे या थर्ड चक्रा पे आके ही रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ये टाइम ऐसा है डिवाइन फेमिनाइन का कि डिवाइन फेमिनाइन एक स्टेप ऐसे करके बढ़ती ही जा रही हैं, वो वापस पीछे बैक नहीं हो रही हैं। मतलब कि अपनी अगर वो थोड़ा सा भी इनबैलेंस होती हैं तो तुरंत वो अपने आप को बैलेंस में लेके आ जाती हैं, बिल्कुल भी अपने आप को उस नेगेटिव वाइब्रेशन में रहने नहीं देती हैं। जबकि जो एनर्जी वैम्पायर हैं वो उनको बहुत ज़्यादा टिकर करने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं, अजीब गरीब ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिनको देख के बस माइंड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। लेकिन दूसरे ही पल डिवाइन फेमिनाइन अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी इनर पावर से वो अपने आप को बैलेंस कर लेती हैं और उन चीज़ों को लेट गो कर देती हैं। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट और वेस्ट आप कर रही हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपकी इस चीज़ को लेकर बहुत ही खुश हैं कि आप अपनी परेशानियों को छोड़ कर के आप लोगों के लिए हेल्प के लिए कदम उठा रही हैं। ये इसलिए जो यूनिवर्स हैं वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ग्रोथ कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आप एक स्टेप और आगे बढ़ती जा रही हैं। दूसरा, हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन अभी भी वो अपने आप को तो पहचान चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अपने समय को नहीं पहचान पा रही हैं कि इस टाइम हमें क्या करना है, क्या थोड़ा सा इल्यूजन में है। उन लोगों के, उन डिवाइन फेमिनिन के लिए यही है कि प्लीज़ अपने टाइम को पहचानें, इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर आप इस टाइम में अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करोगी, आप एक स्टेप लोगों के लिए नहीं लोगी, तो यकीन मानो डिवाइन फेमिनिन आपका रीयूनियन लेट हो जाएगा, आपका रीयूनियन लेट हो जाएगा। और ये वो टाइम है जो ये कोरोना टाइम में है, ये टाइम एक ऐसा है जिसमें सबकी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन अगर जिस इस टाइम में किसी भी डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन अपना कर्तव्य से पीछे हटते हैं या भूल जाते हैं या फिर अपने आप को उस चीज़ में एक स्टेप नहीं ले पाते हैं, तो यकीन मानो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन आप दोनों का रीयूनियन नहीं होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी जो टाइम और पीरियड है, यही सबसे ज़्यादा चुनौती है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। अगर जिन लोगों ने इस टाइम अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया और वो अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बैड न्यूज़ है कि आपका रीयूनियन नहीं होगा। चाहे आप कितना भी इनर वर्क करो या कुछ भी करो, सॉरी गाइज, मैं शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी, मैं कोई भी बात ऐसे नहीं बोलूँगी कि आपको पता नहीं आप क्या करो, सोचो क्या नहीं सोचो, लेकिन जो बात है वो मैं कर ही रहूँगी। और वो ये सच है कि अगर आप अपना स्टेप नहीं लेती हो तो आपका रीयूनियन बिल्कुल नहीं होगा, ये फैक्ट बात है। तो जल्दी से जितना हो सके उतना अपना जितना हो सके अपना टाइम लोगों के लिए निकालें, और क्योंकि समय बीत रहा है, क्योंकि वो टाइम आने वाला है जब कोरोना टाइम एक तरह से रिकवर होने वाला है। क्योंकि कुछ टाइम कुछ मंथ या 2-2.5 मंथ के बाद ये रिकवर होने लग जाएगा, उसके बाद फिर एक तरह से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर ये स्टार्ट होगा वो टाइम लगेगा, लेकिन जब तक आपको फिर सेपरेशन में ही रहना पड़ेगा। याद रखना है इस बात को कि ये टाइम बीत रहा है, जितना हो सके अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए अपना कदम बढ़ाएं, अपना जितना भी आपसे हो सके हेल्प करें, और नहीं तो फिर आपका रीयूनियन नहीं होगा। आप फिर सेपरेशन के मोड में रहोगी, फिर आप दुखी रहोगी, परेशान रहोगी, और फिर आप यूनिवर्स से प्रे करोगी या फिर यूनिवर्स से आप ये फरियाद करोगी कि प्लीज़ कुछ अच्छा हो, अच्छा हो। तो ये आपके लिए एक तरह से पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ताकि आप पहले ही समझ जाएं और अपना टाइम वेस्ट ना करें।
या ये थी आपकी करंट एनर्जी, जो इस टाइम की एनर्जी है ये थी, और दूसरा ये जो गाइडेंस थी वो मुझे कल रात को ही मिली थी, लेकिन मैं किसी कारणवश जल्दी से ये वीडियो नहीं दे पाई, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कल रात को ही नहीं दे पाई, और इसलिए मैं आप डाल रही हूँ इन वीडियो को। आई होप आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं भी अपने कर्मा में हूँ, और मैं भी, मेरे साथ भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको मुझे पूरा करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत ही स्पिरिचुअल पावर में एक एक लेवल ऊपर चल रही है। अगर आप इस टाइम अगर थोड़ा सा भी धोखा खा जाओगे, या थोड़ा सा भी लेजीनेस में आ जाओगे, या थोड़ा भी सेल्फ डाउट में आ जाओगे, तो आपका रीयूनियन नहीं होगा, ये फैक्ट बात है आपके लिए। या ये थी डिवाइन फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस, आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, या नहीं भी हुई हो, जो भी हो आप मुझे मैसेज ज़रूर सेंड करना। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो उनके लिए लेके आने वाली हूँ, वो भी आप अगर देखना चाहो तो देख सकती हो। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।